अब करो अः निविता, निविता का बात है। अच्छा अच्छा प्रॉमिस प्रॉमिस अच्छा भाई भाई ठीक
ठीक है। निविता आगे बढ़े। क्या मैम? बनाया अभी? हाँ बना लिया। हो गया, बना दिया मतलब मेरे पहले ही। देखो कौन है। हेलो, बात कर। क्या कोई लैपटॉप कंप्यूटर है। तो पहले वापस से इस कलर को इसमें बहुत सारा जगह पर हम लोग व्हाइट छोड़ने वाले हैं। ठीक है।
वैसे थोड़ा व्हाइट छोड़ना है आपको शाइन दिखाने के लिए, व्हाइट करेगी। इधर भी ब्राउन दिया है तो वापस से यूज कर रहे हैं। अरे क्या जैसे कोई कोई जगह थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, तब दर्द करने की आपको वापस से वीडियो कलर था उस कलर करना जस्ट अभी जो कलर आपने यूज किया था एड कर दे, ये जगह थोड़ा डर चाहिए आप। यहाँ डार्क देना चाहिए काफी सुंदर था एड। अच्छा इसको ज्यादा अच्छा दिखाओ, लेकिन बैच बहुत संभल के यूज करना होता है, तो इसलिए मैं अभी आप लोग का स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ा ब्लैक को अवॉइड करवा रही हूँ। ब्लैक दे के अगर लाइन को और क्लीन करेंगे तो देखने और ज्यादा अच्छा है। अभी हमने जो जो जगह छोड़ा था व्हाइट से वहां पे जस्ट व्हाइट को ऐड करके शाइन बना देना, शाइन दिखाना। अच्छा देखो साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ा था।
को ऐड कर सॉफ्ट बनाने की, तो कर्व शेप है उसपे थोड़ा शाइन आता ही है। हाँ कलर ब्लेंडिंग के टाइम में देखो कोई भी, जैसे देखो कलर करने के बाद भी कोई कोई जगह ऐसे व्हाइट डॉट डॉट जगह दिख रहा है ना, वो जगह पे जो कलर यूज हुआ है उसको यूज करके वापस से क्लियर करो, पर ऐसा दिख रहा है सारे लाइन में। जैसे मेरे ड्राइंग में यहाँ पे क्लियर करें, और इस टाइप के ड्राइंग आपके 2 मिनट का काम नहीं, इसको समझ के हर चीज को हर टोन को समझ के आपको करना है। देखिए कोई भी जैसे व्हाइट जगह दिख रहा है ना, उस जगह को देखो मैं कैसे क्लियर करूँ, जो कलर दिया था उस कलर को ही मैं चला। ब्लैंक स्पेस को थोड़ा व्हाइट को बार बार यूज करते वक्त एक बार करके क्लीन कर लेना होगा, क्योंकि पोर्ट्रेट के ऊपर हम लोग व्हाइट यूज कर रहे हैं तो दूसरा कलर भी इससे लग रहा है। ब्राउन ब्राउन इसके आईब्रोज में सारे तो ब्लैक हेयर्स नहीं हो सकते, इतने रिंकल्स हैं, तो हमें इस पे थोड़ा व्हाइट का भी काम करना है। कोई का जगह प्ले कर तो यहाँ करके भी कर सकते। स्क्रैच लाइंस बनाते हैं, लाइंस ऐड कर लो बाद व्हाइट को ऐड कर। या
बाकी एरिया भी करते हैं, चलो आपके पास ब्राउन ग्रे कलर है तो ग्रे यूज, तो यहाँ पे या तो व्हाइट को पहले यूज कर देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे ब्लैक लाइन देखो, ऐसे टच करो ऐसे छोड़ो, टच करो छोड़ो, जो एंड जो एरिया है वो पॉइंटेड आएगा। सीधा सीधा ऐसे चलाओगे तो नहीं आने वाला है, आपको एक जगह से टच करना है, एक जगह छोड़ना है, हाथ को उठा लेना है, ठीक है? जाके आप पॉइंटेड, देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, हाथ को उठा रही हूँ। अभी आपको दिखा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, तो जगह थोड़ा सा डार्क टोन में आना चाहिए। ब्लैक को यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक के साथ में ब्लैक को हल्के से करेंगे। उसके बाद हमारा ब्राउन कलर से डार्क होने वाला है, तो ब्राउन फिर बाकी जो हिस्सा है डायरेक्ट व्हाइट को यूज करते हैं। या रवि इसकी बारी है, इसमें भी थोड़ा ब्लैक को यूज करना पड़ेगा। ब्राउन दिया था हमने, ब्लैक को थोड़ा सा यूज करेंगे। अभी कलर कर
हल्का सा हम लोग टाउन ही देख लें। चलिए नीचे की तरफ थोड़ा डार्क टाउन को यूज करेंगे। हाँ अच्छा, तो देखो यहाँ पे लिस्ट पे हमने कुछ लाइंस ऐड किए हैं। तो पार्ट पे ब्लैक यूज किया था और ब्राउन और थोड़ा डार्क कलर। ये जो खाली एरिया है यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी कलर या तो लाइट वायलेट कलर या तो पिंक कलर अगर है यहाँ पे, मतलब टच दे सकते, तो लाइट वायलेट दूँ। और बाकी जो छोटे छोटे हिस्सा है यहाँ पे व्हाइट ही यूज कर। फिर बाद आते हैं मेन हमारे वॉल पे जो है स्टेप्स बनाना। स्टेप्स को इसके ऊपर से ही चलाना है, व्हाइट का काम रहेगा सिर्फ, मैक्सिमम व्हाइट एंड ग्रे। तो ग्रे यूज ये ब्राउन से थोड़ा ऊपर की तरफ हल्का लाइन दे सकते। थोड़ा सा अगर नेचुरल कोई ह्यूमन बीइंग देखोगे तो देखना, ये यहाँ पे इमोशनल होने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा स्किन दिखता है ना, जितने भी मुझे हो। यहाँ पे हमने ब्राउन को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा लाइन को ऐड किया ताकि वो थोड़ा रियल लगे। फिर हम लोग व्हाइट कलर से इसके ऊपर से कुछ लाइन दिए हैं, जैसे जैसे लाइन होते हैं, और कुछ ब्राउन के लाइंस, ब्राउन बोलिए ग्रे कलर के लाइंस को ऐड कर देते। एक तो ब्लैक के लाइंस भी रखोगे तो अच्छा ही लगेगा। यूज किया है यहाँ पे
बताओ। हाँ वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड बेटा आराध्या। आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, ये फर्स्ट टाइम है, उस हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। और हमेशा ध्यान रखना स्किन टोन ऐसा ही रहेगा आप लोगों का, इसी टाइप के अलग अलग। आराध्या यू हैव टू वर्क हार्ड। का ब्लैक ज्यादा हो गया आराध्या। निविता, आपने ट्राई तो अच्छा किया है, बट आपको भी थोड़े ब्लैक के लाइंस थोड़ा स्ट्रांग हो गए, ब्लैक के लाइंस से थोड़ा बचना है। आराध्या आपको भी गुड मॉर्निंग। 8 सेकंड। एक सेकंड रुक। ठीक है, एक बार मैं सबको एक बार पिन कर।